हेलो एवरीवन, दिस अजहर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एज अ रिक्रूटर आपसे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उसके आंसर्स आपको क्या क्या देने हैं। तो जो सबसे पहला और सबसे कॉमन क्वेश्चन है वो है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इसमें टेल मी भी बोल सकता है इंटरव्यूअर आपको, या स्टार्ट या समथिंग लाइक दिस। तो इसमें बेसिकली आपको अपने बारे में बताना होता है। तो इसका आंसर देने के लिए आपको कंपनी की रिसर्च थोड़ी करनी होती है, थोड़ी सी कंपनी की रिसर्च कर लिए, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लिए डिटेल में कि जॉब का रिक्वायरमेंट क्या है, और आपका आंसर जो है वो कंपनी का रोल जो डिस्क्रिप्शन है उससे रिलेटेड होना चाहिए, और कंपनी कैसी है उससे रिलेटेड होना चाहिए। आपको ये बताना है कि आपने रिक्रूटमेंट में क्या-क्या किया है, आपकी करंट कंपनी में आपने क्या किया, आपकी अचीवमेंट्स क्या है, प्रीवियस कंपनी में आपने क्या किया, आपकी अचीवमेंट्स क्या है रिक्रूटमेंट में, और आपने रिक्रूटमेंट क्यों चूज किया। कोई अगर स्पेसिफिक कोई पैशनेट स्टोरी है जो आप बता सकते हैं, जिसमें पता चल रहा है कि आप बहुत पैशनेट हैं रिक्रूटमेंट के बारे में, तो ये बहुत अच्छा अच्छा मोमेंट होता है इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के लिए, या एक्सप्रेस करने के लिए कि आप बहुत पैशनेट हैं रिक्रूटमेंट को लेके। और इसमें आपको आपकी फैमिली और हॉबीज के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग फैमिली में ये मेंबर्स हैं या हॉबीज के बारे में बताने लगते हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है। आपको कोशिश करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसमें अपना पैशन शो करें रिक्रूटमेंट के लिए, अगर आपके अंदर है तो डेफिनेटली। और आप इसकी प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, ये आप बेसिकली इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के लिए अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो इसकी काफी टाइम प्रैक्टिस करिए मिरर में देख के, या जैसे भी, या रिकॉर्ड करके, और अकॉर्डिंगली जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप स्मूथली इसका आंसर दे पाएंगे। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सो इसमें पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बताना होता है, तो ये पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हायरिंग नीड पता चलती है कि कंपनी में हायरिंग नीड है, किसी की रिक्वायरमेंट है, जैसे सिविल इंजीनियर की, या मैकेनिकल इंजीनियर की, या किसी मैनेजर की, तो हायरिंग नीड पता चलती है। उसके बाद उस हायरिंग नीड के बाद उसका जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है कि इस रोल में क्या क्या स्किल्स चाहिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, और ये रोल किस तरीके से किसको रिपोर्ट करेगा, इसको कितने लोग रिपोर्ट करेंगे, इसका बजट क्या है। फिर कैंडिडेट की सर्च होती है, सर्चिंग, स्क्रीनिंग और कोल्ड कॉलिंग, ये साथ में चलती है। डिफरेंट पोर्टल से कैंडिडेट को सर्च किया जाता है, रेफरेंसेस से, या जॉब एड से, न्यूज़पेपर एड से, या मास ईमेलिंग से, काफ़ी तरीके होते हैं। फिर उनको स्क्रीन करते हैं रिक्रूटर्स, फिर कोल्ड कॉलिंग होती है, उसमें से बेस्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू करवाया जाता है हायरिंग मैनेजर के साथ, और 2-3 राउंड होते हैं, किसी किसी में 1 राउंड होते हैं। फिर इंटरव्यू होने के बाद, इंटरव्यू में सिलेक्शन के बाद एप्लीकेंट का कभी कभी असेसमेंट होता है। असेसमेंट में कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, या उनको कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट या कोई और टेस्ट, ये सारी चीज़ें दे दी जाती हैं। फिर उसके बाद बैकग्राउंड चेक होता है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या एजुकेशन बैकग्राउंड, मतलब एजुकेशन प्रॉपर है या नहीं कि फेक है, या एक्सपीरियंस रियल है या नहीं या फेक है, ये बैकग्राउंड चेक्स में आ जाते हैं। फिर उसके बाद रेफरेंस चेक होता है, रेफरेंस चेक में कैंडिडेट के लास्ट रिपोर्टिंग मैनेजर या जिनके साथ उसने वर्क किया है उनसे बात करी जाती है, और उनसे पता किया जाता है कि कैंडिडेट वहाँ पर किस तरीके से परफॉर्म करता था, इसका दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ नेचर कैसा था, बर्ताव कैसा था, या वहाँ पे किस तरीके से, मतलब ये जानने की कोशिश की जाती है कि उस कंपनी में इसने कैसे काम किया, इसका परफॉर्मेंस कैसा था। फिर उसके बाद जॉब ऑफर दिया जाता है, उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद हायरिंग हो जाती है, और फिर उसके बाद ऑनबोर्डिंग हो जाती है। ऑनबोर्डिंग में कैंडिडेट को दूसरे लोगों से मिलवाया जाता है, और थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स भरवाए जाते हैं ऑनबोर्डिंग के वक्त पे, और रिपोर्टिंग मैनेजर दूसरे, मतलब दूसरे स्टाफ से जिनसे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा इस कैंडिडेट को, यानी इस एम्प्लॉय को, उनसे उसको मिलवाया जाता है। तो बेसिकली ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका इस तरीके से आपको आंसर देना है। फिर
फिर उसके बाद आ जाता है हाउ डू यू सोर्स कैंडिडेट्स। हाउ डू यू सोर्स कैंडिडेट में सबसे पहला तरीका है जॉब पोर्टल। अगर आपने जॉब पोर्टल पे किया है, जैसे नौकरी, इंडीड या किसी और जॉब पोर्टल पे, वो आपको बता देना है। वहाँ पे कैसे किया है वो बता देना है। बेसिकली आपको पूरा कैंडिडेट को आपने कैसे ढूंढा, उसको स्क्रीन किया, वो पूरे तरीके से आपको यहाँ पे बता देना है। फिर उसके बाद लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे भी सर्च करते हैं। फिर उसके बाद मास ईमेल्स है, मास ईमेल से भी सर्च होता है। जॉब पोस्टिंग्स हैं, रेफरेंसेस हैं, रेफरेंसेस से अगर ढूंढा है आपने, सोशल मीडिया से भी सर्च करते हैं कैंडिडेट्स को, न्यूज़पेपर एड्स। तो हर हर किसी का अलग अलग तरीका होता है, तो डिपेंड करता है आप किस टाइप की सोर्सिंग कर रहे हैं। जो तरीके से आपने किया है इनमें से आपको एग्जैक्टली वो बताना है, झूठ बोलना नहीं है वरना पकड़े जाएंगे आप बेफालतू में। तो आपने जिस तरीके से सोर्सिंग किया है इसमें से आपको उसी के बारे में बताना है, तो इसके बारे में भी आप प्रिपेयर कर लेना। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज बुलियन सर्च, इसको एक्सरे सर्च भी बोलते हैं, और बोलते हैं बुलियन सर्च बना के बताओ, मेक अ बुलियन सर्च। तो बुलियन सर्च क्या है, मतलब बुलियन सर्च जो है रिक्रूटर को हेल्प करती है सर्च करने के लिए कैंडिडेट रिलेवेंट रिजल्ट्स लाने के लिए, एंड नॉट और ऑपरेटर का यूज करके। ठीक है, इन ऑपरेटर्स का यूज करके अपनी सर्च को रिक्रूटर्स थोड़ा सा और रिलेवेंट बनाते हैं, ताकि जो कैंडिडेट्स नहीं मिल पा रहे हैं नॉर्मल सर्च से, वो बुलियन सर्च से मिल जाए। जैसे इसका एग्जाम्पल है सिविल इंजीनियर और साइट इंजीनियर। मतलब ये सबसे बेसिक एग्जाम्पल है, ये थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप बड़ी बुलियन सर्च बनाएं। मैंने इसके ऊपर और भी वीडियोस बना रखे हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स बुलियन सर्च कैसे बनाते हैं, तो आपको बुलियन सर्च बनाने के लिए भी कहा जा सकता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं जो दूसरे कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विच पोर्टल यू यूज। तो आपको बता देना है कि नौकरी, मॉन्स्टर, या जिस तरीके से भी आप जो पोर्टल भी आप यूज करके कैंडिडेट की सर्च करते हैं, और आपको एग्जैक्टली जो पोर्टल आप यूज कर रहे हैं वही बतानी है, क्योंकि आपको उस पोर्टल पे काम करवा के भी देखा जा सकता है। फिर व्हाई यू वांट टू चेंज, ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप लास्ट कंपनी से करंट कंपनी में क्यों आना चाहते हैं, मॉनिटरी रीजंस हैं या ग्रोथ चाहिए, मतलब करियर में ग्रोथ चाहिए, वहां पे सेम काम कर करके बोर हो गए हैं, या कोई भी रीजन है, कोरोना, अभी तो नॉर्मल जो कोविड की वजह से निकाला जा गया है लोगों को, तो वो सबसे कॉमन रीजन चल रहा है। तो आप अपने हिसाब से आपका आंसर दे सकते हैं। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि नंबर ऑफ क्लोजर्स कितने किए हैं लास्ट कंपनी में, या पर मंथ, या टोटल नंबर ऑफ क्लोजर्स। तो क्लोजर्स के बारे में पूछा जा सकता है। फिर विच कैंडिडेट्स हैव यू प्लेस्ड इन हाईएस्ट सीटीसी, सबसे हाईएस्ट सीटीसी जो आपने कैंडिडेट प्लेस किया है उसका क्या है, ये पूछा जा सकता है। ये एग्जीक्यूटिव सर्च कंसल्टेंसीज में ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये पूछा जा सकता है। फिर इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री में आपने जॉब, मतलब किस इंडस्ट्री के रोल्स पे वर्क किया है। तो अगर कोई इंडस्ट्री आपने बोली तो पूछा जाएगा कौन से रोल्स पे वर्क किया है उस इंडस्ट्री में। फिर आपने कोई रोल बता दिया, फिर उसका जेडी पूछा जाएगा कि ये रोल जो है क्या काम करता था। तो जैसे अगर आपने बोल दिया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो फिर पूछा जाएगा प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड कोई रोल है, फिर उसका जेडी पूछा जाएगा, या सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर का जेडी आपसे पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है कि इंडस्ट्री बता रहे हैं कोई, तो उसके रोल्स आपको अच्छे खासे पता हों, तो अकॉर्डिंगली आपको जेडीज भी पता होंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है व्हाई डिड यू चूज करियर इन रिक्रूटमेंट, मतलब आपने रिक्रूटमेंट में ही करियर क्यों चूज किया। तो यहाँ पे आपको ये बेसिकली इंटरव्यूअर देखना चाह रहा है कि आपका पैशन कितना है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। अगर आपने ऐसे ही बोल दिया कि कुछ और नहीं मिल रहा था इसलिए रिक्रूटमेंट ले लिया, तो एक तरीके से ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपके पास कोई अच्छा हार्ड कोर रीजन होना चाहिए। अगर आपके पास कोई रीजन नहीं है तो मत बताइए, अगर आपके पास कोई रीजन नहीं है ऐसा, तो आपको रिक्रूटमेंट में मेरे ख्याल से आपको कोई और फील्ड में होना चाहिए जिसमें आपका पैशन है। तो यहाँ पे आपके पास काफी पैशनेट आंसर होना चाहिए, व्हाई डिड यू चूज करियर इन रिक्रूटमेंट। फिर उसके बाद हाई हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट जॉब, तो इसका भी आपके पास रीजन होना चाहिए कि आपको पहला जॉब कैसे मिला, रेफरेंस से मिला या कैंपस प्लेसमेंट से मिला या किसी और तरीके से मिला। तो
तो यहाँ पे आपको उसका आंसर देना है। इस क्वेश्चन के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, नंबर ऑफ पीपल रिपोर्टिंग टू यू। ये टीम टीम का सवाल है, मतलब किसी को अगर टीम हैंडलिंग का रोल मिल रहा है, टीम हैंडलिंग का इंटरव्यू हो रहा है, तो उसमें पूछा जा सकता है कि कितने पीपल रिपोर्ट करते थे। तो यहाँ पे भी आपको आंसर तैयार रखना है। फिर नेम ऑफ पीपल रिपोर्टिंग टू यू, ये नेम इसलिए पूछेंगे क्योंकि उन्हें जानना होता है कि सच में रिपोर्ट किया या नहीं। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसे नेम बोलने में काफी दिक्कत हो जाएगी, तो आपको उसका नेम भी पता होना चाहिए। फिर उसके बाद एक एक का पूछा जाएगा, जो आपने नेम्स बताए हैं उनका पूछा जा सकता है। अगर अच्छा इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले रहा है तो आपने उन पर्टिकुलर एक एक नेम लिया जाएगा और पूछा जाएगा कि एक एक बंदे में आपने क्या क्या इंप्रूवमेंट लाए, पहले कैसा वो जब एम्प्लॉय आपके अंडर में ज्वाइन हुआ पहले कैसा था, और आपके बाद मतलब आपके साथ रह के उसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आया, आपने उसको क्या ट्रेनिंग दी, उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसकी क्या वीकनेसेस थी जो आपने इम्प्रूव करी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं टीम मैनेजमेंट के रोल के लिए, वरना नॉर्मली तो ये पूछे नहीं जाएंगे। फिर पूछा जा सकता है आपकी करंट सैलरी क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, नोटिस पीरियड क्या है। तो ये तीन चीजें भी आप सोच के रखना। फिर उसके बाद डू यू कोऑर्डिनेट विद कंसल्टेंट्स, तो ये अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां पे आपसे पूछा जा सकता है डू यू कोऑर्डिनेट विद कंसल्टेंट्स। अगर आप किसी कंसल्टेंसी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है डू यू कोऑर्डिनेट विद क्लाइंट्स, तो इसका भी आपके पास आंसर तैयार होना रहना चाहिए। फिर डू यू यूज सी आर एम ए टी एस, अगर आप सी आर एम ए टी एस यूज करते हैं तो वो आपसे पूछा जा सकता है कि आप कौन सा सी आर एम ए टी एस यूज करते हैं और उसमें एंट्रीज कैसे करते हैं या किस तरीके से अपने डेटा को मैनेज करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर यहाँ पे आपसे सैलरी ब्रेकडाउन ऑफ कैंडिडेट पूछा जा सकता है, अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए हैं, उसके बाद आपसे आपके रेज्यूम में जो जो एक्सपीरियंस है, ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस, उसके बारे में आप डिटेल में प्रिपेयर रहना, क्योंकि हर एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं कि हर कंपनी में आपने क्या किया, शिफ्ट क्यों की एक एक कंपनी, तो ये डिटेल में आपसे पूछा जा सकता है एक एक कंपनी में आपके एक्सपीरियंस के बारे में, कितने रियल लोग रिपोर्ट करते थे या किसको रिपोर्ट करते थे या क्या क्या अकम्प्लिशमेंट की, कितने क्लोजर्स की एक एक कंपनी जो आपके रेज्यूम में हो। फिर आपसे एक एक एजुकेशन के बारे में पूछा जा सकता है, और उस जैसे ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज आई, कौन से सेम में कितनी परसेंटेज आई, 10th में कितनी परसेंटेज आई, मार्क्स भी पूछे जा सकते हैं, आपका सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन भी पूछा जा सकता है, तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहना। फिर अगर आपने कोई अपनी अपने रेज्यूम में अकम्प्लिशमेंट लिखी है तो वो भी डिटेल में पूछी जा सकती है, एक एक अकम्प्लिशमेंट, उसके लिए भी प्रिपेयर रहना। आपकी एज पूछी जा सकती है, स्टेबिलिटी ऑफ जॉब पूछी जा सकती है। स्टेबिलिटी ऑफ जॉब मतलब इसमें कैसा आ गया, अगर बीच में आपने एक एक साल में चेंज की है अपनी जॉब, तो इसके लिए पूछ सकते हैं कि आप एक साल में आपने ये जॉब क्यों चेंज की, क्योंकि मिनिमम 2-3 साल जो इंटरव्यूअर होता है उसको लगता है कि ये कैंडिडेट स्टेबल है, लेकिन अगर आपने 6-6 महीने में एक एक साल में चेंज किए हैं तो ये एक नेगेटिव इम्प्रेशन डालता है इंटरव्यूअर के ऊपर। तो वो आपसे रीजन पूछेगा कि ये 6 महीने में क्यों स्विच करी या ये एक साल में स्विच क्यों करी। अगर बीच में कोई गैप है तो गैप का भी पूछ सकते हैं कि इतना गैप क्यों है। अगर आपने फील्ड चेंज करी है, मतलब पहले अकाउंट्स में थे और बाद में रिक्रूटमेंट में आ गए, तो वो भी पूछा जा सकता है कि अकाउंट से रिक्रूटमेंट में क्यों आ गए। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना अगर आपने ऐसा किया है तो। फिर आपको असाइनमेंट्स दिए जा सकते हैं, असाइनमेंट जैसे आपको बोल सकते हैं कि सर्च कैंडिडेट ऑन जॉब पोर्टल, आपको कोई जॉब पोर्टल दे दिया जाएगा, उस पे सर्च कैंडिडेट मतलब कैंडिडेट को सर्च करने के लिए बोला जाएगा। उसी तरह लिंक्डइन पे आपको सर्च करने के लिए बोल सकते हैं, मतलब ये देखना चाहते हैं कि आपको ये काम आता है या नहीं। फिर उसके बाद आपको बूलियन स्ट्रिंग या एक्सरे सर्च करने के लिए बोल सकते हैं, या बूलियन स्ट्रिंग लिखने लिखने के लिए बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा। फिर उसके बाद आपसे कोल्ड कॉल करवा सकते हैं कैंडिडेट को, या आप बोल सकते हैं कि उनके साथ ही कोल्ड कॉल करें। फिर उसके बाद आपको जॉब डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए बोल सकते हैं। ये जॉब डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए मोस्टली मेरे हिसाब से कंपनीज में बोला जा सकता है। फिर उसके बाद आप को ऑफर लेटर बनाने के लिए बोल सकते हैं, ये भी मोस्टली कंपनीज में हो सकता है, कंसल्टेंसी में ये दो क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता पूछे जाएं, लेकिन पूछ भी सकते हैं। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर बनाने के लिए बोल सकते हैं, ये भी मेरे हिसाब से कंपनी के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है।
तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये बिल्कुल हार्डकोर नहीं है, इसके अलावा भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और डिपेंड करता है कि इंटरव्यू जो लेने वाला है वो कितना एक्सपीरियंस्ड है। अगर अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, उसको अच्छी नॉलेज हुई, तो वो आपसे ये जो टू द पॉइंट क्वेश्चंस मैंने बताए यही पूछेगा, कोई फालतू के क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। अगर इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो वो आपसे यहाँ वहाँ के क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना है, और आपका आपको मेंटली उसी टाइम पे जवाब देना होगा। ये मैंने सिर्फ आपको आइडिया दे दिया, इस हिसाब से इन क्वेश्चंस को भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और कोई और क्वेश्चंस आपको समझ में आते हैं आप उन पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं, कि वो क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप उसका आंसर दे दें। होप आपको समझ में आया हो कि रिक्रूटर के इंटरव्यू में आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उसके आंसर्स क्या क्या देने हैं। आप इन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करिए और दूसरे क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करिए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे अपना रेज्यूम भी भेज सकते हैं, मैं भी कभी कभी रिक्रूटर की हायरिंग करता रहता हूँ। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।